आज हमने कड़ी और साथ में मक्की की रोटी खाई है, एकदम स्वाद आ गया, एकदम ऑर्गेनिक वाला मज़ा यार। कुछ जिनको हम टारे बोलते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चलने वाला है नीचे। हाँ, जो कहाँ पे वो उधर जो गिरा हुआ है उसके साथ, वो जो पूरा तोड़ के उसको नया बनाने के चक्रों में बैग उठाते हैं अंदर से, साथ में बैटरी वैटरी का सिस्टम। समझदार लोग तेरे को रोस्ट करेंगे। समझदार लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग, समझदार लोग। हम जो है आए हैं, मतलब मैंने यहाँ पे ना काफ़ी साल पहले, मैंने पहले बोला होगा कहीं व्लॉग में, मैंने वहाँ पे नाम लिखा था ऐसे एक पेड़ के ऊपर। तो तब मैं थोड़ा मतलब होता था पेड़ों के ऊपर नाम नहीं लिखने, मैं काट के लिखा था, तो वही नाम चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। अगर वो वहाँ पे हुआ तो दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो मतलब अगर पेड़ ही काट दिया हो तो फिर क्या ही दिखा। यहाँ पे एक क्रिकेट का छोटा सा मैच चल रहा है, हम आए थे इन सर्च ऑफ फाइंडिंग आवर माय नेम, जो मैंने लिखा था। आते ही भाई पहले नंबर पे नज़र पड़ गई मेरी, ऐसे लिखा था मैंने, पर वो पेड़ ही कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, मेरी क्या गलती। ये देखते हो यहाँ पे एस, एस लिखा था मैंने, बस यही था। यहाँ से ये जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पे जो है कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डेथ्स होती थी उस मतलब पहले ज़माने में, वो सारे बंदू को यहाँ पे जो है दफन करते थे लेके। तो अब वो कब्रें पूरी की पूरी खुली पड़ी हुई हैं, खुली पड़ी हुई हैं। हाँ जाएगा, चलेगा ऊपर पक्का, रात को डरेगा भाई। क्या यार पता है बातें होती हैं कहनी, चलो दिखा के लाते सम्मी को। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। हाँ व्लॉग ही चल रहा है भाई, इधर आई साइड है यार, नाम बता दे अपना। रिहान। रिहान भाई व्लॉग देखता ही नहीं। हाँ। देखें। हाँ। ओए होए इधर भी सब्सक्राइबर। इधर आए हुए थे यार, इधर ऊपर हम जो आके, मेरे को ना नींद आ गई यार, लस्सी पीने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बंदे को नींद आ जाती है। यहाँ पे ये पेड़ है जलने में बहुत मतलब जल्दी जल जाती है, इसको बहुत जल्दी आग लगती है, इसलिए यहाँ पे जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ गीली होती हैं, जो स्टार्टिंग में बंदे आते हैं यहाँ पे, तो वो इस लकड़ी को काटते हैं, वो लेके जाते हैं वहाँ पे, इसको हम अपनी लैंग्वेज में दीनी बोलते हैं, लेके तो उसको एज अ फ्यूल, वुड फ्यूल यूज़ करते हैं, लेके उसको मतलब आग जलाने में ये काम आती है लकड़ी। खैर अभी चलते हैं चल के, वो उधर धूप में चल के बैठे हुए हैं यार, मेरे को नींद आ रही है, मेरे से नहीं बैठा जाएगा धूप में यार, मैं जाके अंदर सोऊंगा, फिर शाम को जाके थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करेंगे, और बैटरी भी बहुत कम बची हुई कैमरे की हमारी। कर दे पूरा कर। यहाँ पे कुछ भाई बंधु हमारे आए थे खेलने के लिए क्रिकेट, कहाँ से आई हुई पूरी टीम? गाइस कहाँ से आई हुआ? बंगाई शाहदरा शरीफ से। कैसा रहा मैच? अच्छा सब, मस्त, मजा आया। कहाँ की टीम थी दूसरी वाली? यहीं की थी, नीचे की। यहीं की? हाँ। बैरम गले की। हाँ। टीचर हाँ। वहाँ से आप साथ आए हुए इनके? हाँ। मोहम्मद दीन। अच्छा आप ही वहीं से हो? जी। सही है यार, हमने इनको वहाँ से इनवाइट करा, असल में आके यहाँ पे कुछ डांस तो आती नहीं हमें, कुछ ऐसे ही अपना ही पांगड़ा चला हमारे काफी देर तक। क्या आती किसी को नहीं परफेक्ट वाली डांस हम में से, क्या पता इनमें से किसी बंदे को आती हो, जानबूझ के ना करियो, वो बात अलग है। मैंने और सम्मी ने ऐसे ही भाई साथ में मतलब रगड़ा दिया, खुद की जलील हो लिया कुछ देर तक, बस बहुत था हमारे लिए, उतना ही बहुत है, हम तो ऐसे भी जलील होते ही रहते हैं यूट्यूब पे। खैर सही है यार, अच्छा लगा सबसे मिलके, ठीक है बाय बाय। डांस करवा के उन्होंने हमारी वो हालत करवाई ना, इधर तब धूप लग रही थी, और अभी अंदर लेके चाय भी दी हमें, सम्मी वहीं पे है यार। यहाँ पे फ़ोन आया भाई, कैसे? मम्मी की कॉल आ गई थी तो कॉल पिक कर ली हमने भाई, वो वहाँ पे पहली बार ऐसे हुआ, तो मेरा वहाँ पे जो है इंटरनेट कहीं चल रहा था नेटवर्क, ऑल दो पैक वैक ख़त्म है और ठीक है, स्यापा ख़त्म है, सम्मी से लेके मैं कहीं इंस्टाग्राम थोड़ा सा खोल लेता हूँ, वो भी खोलने के इतना हुआ। यूँ कि जैसे ही मैं बोलने लगा कि बैटरी मेरी लो होने वाली है, सॉरी कैमरे की, वो उसी टाइम उसने मेरा जो है गला घोट दिया। तो अभी हम, मैंने बोला था कि हम जो नीरेस्ट गांव है यहाँ से चक्का जाएंगे हम चल के, वहाँ पे बैटरीज को जो वहाँ पे लाइट आती है वहाँ पे बैटरीज चार्ज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी हमने सुबह यहाँ से, मैं भी थोड़ा लेट ही निकले, और दिन को भी हमने थोड़ा घूमना है तो व्लॉग करना पड़ेगा, इसलिए बैटरीज चार्ज करना ठीक रहेगा। सम्मी अंदर ही है क्योंकि उसको जो है घोड़े की सवारी करनी थी। ये है कुछ यहाँ का एग्ज़िट, हम आया परांठे मुड़ गए। हाँ प्याज जा रहा है शॉप पे, भेजा है मैंने भाई, मैं कुछ ले के आ जाऊँ, मुझे क्रेविंग हो रही थी भाई कुछ, मतलब होता है ना, अब क्या करूँ यार, मतलब आदत पड़ गई हुई है, सीधी सी बात बताएं तो। इधर इस साइड पे भी पूरा गांव यहीं से है, मतलब स्टार्ट हो रहा है जो
जल्दी वापस आ गए तो मैं चलूँगा आगे, वो पूरा एरिया आपको दिखाऊंगा। निकल आए, क्विक लुक देंगे छोटी सी, थोड़ा सा बता भी देंगे साथ में, तक मतलब इतने ज़्यादा देर व्लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि शाम पड़ जाएगी और शाम पे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस समझो, क्योंकि जो इस रीजन के हालात हैं वो मतलब स्टेबल नहीं रहते, बड़ी ख़राब रहते हैं। ये है जी कुछ यहाँ से हमारे सो कॉल्ड पुराने वाले पूर्वजों के गाँव का व्यू अगर कहा जाए तो। ऐसे मकान यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है भाई, अगर आप बर्फ़ में यहाँ पे आओगे ना क्या ही नज़ारे होते हैं, एकदम डूबे हुए होते हैं ये सारे के सारे मकान। वो जो उस साइड पे वहाँ पे मकान है कुछ, उस साइड पे भी हम चलते हैं पर अभी टाइम नहीं है। वहाँ पे जो है हमारा जो कहीं पे मकान हुआ करता था कच्चा वाला, और ये काफ़ी ज़मीन, ये मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सारी की सारी बेची हुई है हमारे दादू के टाइम की आई गेस। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं कहीं कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, अगर अच्छा खासा यहाँ पे अगर मकान होता यहाँ पे आते मतलब महीना डेढ़ महीना यहाँ पे लगाते, ऑल्दो उधर भी है उस साइड भी वहाँ आ सकते हैं। सामने जो ये आपको नक्के दिखाई दे रहे हैं ये पीर पंजाल से, पीर की गली भी इधर ही है, थोड़ा सा पीछे है मतलब इस नक्के के उस साइड पे पीछे, यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। और तत्ताकुटी जो सनसेट पीक है, सनसेट पीक वो भी उस साइड पे है पीछे। लैंडस्केप यहाँ का बहुत मस्त है, यहाँ से इस साइड जो है कश्मीर बहुत नज़दीक है, इस साइड नहीं सॉरी जैसे इस साइड, हाँ यहाँ से इस साइड हमारी जो ढोक है उससे चढ़ के थोड़ा सा पीछे इन पहाड़ों क्रॉस करेंगे सीधा कश्मीर। Much, much, much later. क्या शांति है यार इधर, है ना, मज़ा आया। वैसे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, जिस काम के लिए आए थे काम बता दें हम आपको, मैं ज़्यादा नज़ारों के पीछे भी नहीं रहता। इसकी बैटरी डेड हो गई है, इसकी भी बैटरियाँ डेड हो गई हैं। अब मसला ये है कि इधर आया मैं 6 बजे पहुँचे, 6 बजे इधर लाइट की कटौती हो गई है, तो अब जो है मेरी वॉट लग चुकी है, तो मैं किसी तरीके से ये बैटरी बचाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं हम अपनी डैर की साइड पर। बाय बाय, बाय बाय चक्का, बहुत खूबसूरत जगह है। पहले जब आते थे वो वहाँ पे हमें शॉप पे जाना पड़ता था उस साइड पे, अब जो है शॉप यहाँ पे पीछे ऊपर है उसी साइड से हम जाके ले आए कुछ खाने फूटने के लिए थोड़ा सा, अभी निकलते हैं यहाँ से वापस। मज़ा आया यार, कितनी खूबसूरत जगह है इधर की। पूरे दिन से जो हम घूम रहे थे और मैं बकवास करे जा रहा था, आज तो आज रात को नींद आनी चाहिए, ऐसे कल भी आनी चाहिए थी पर नहीं आई, मर्जी नींद की। पहुंच गए हम वापस आके एकदम सनसेट के टाइम पे, उधर भी सनसेट एंजॉय कर सकते थे पर उधर एक और पहाड़ था आगे, मैंने सोचा उधर से अच्छे से एंजॉय करेंगे। खैर जैसे हम वापस आए, सम्मी की राइड चल रही है भाई घोड़े पे, तो मैं भी ट्राई करूँगा मतलब अपनी नासें बनाने की। बैठे हो भाई, इम्तियाज़ आते ही ना घोड़े पे चढ़ गया इधर, मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ लिए क्योंकि मेरे को राइड करने का बिल्कुल थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था। कल ऑब्वियसली निकलेंगे हम यहाँ से, हैं सम्मी। आजकल मैंने व्लॉग भाई साहब, आज के बाद व्लॉग्स ख़त्म नहीं होंगे हमारे, बस टू बी कंटिन्यू लगता जाएगा या ऐसे ही आउटर हो जाएंगे यहाँ से आगे। कल गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग, सॉरी अनदर व्लॉग, सेम व्लॉग क्या भाई। सुबह सुबह उठते ही आगे फिर से जलालत धोने के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसी ही रूटीन चलती है, वहाँ से उठते हैं टारे से निकलते हैं सीधा यहाँ पे पहुँच जाते हैं, साइड पे आके मुँह हाथ धो के मतलब थोड़ा क्या करें यार, वॉशरूम्स की कमी है। जल छोड़ दे, जा जा जा, जा। समझ रहे नहीं। चल के अच्छे से जो है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। वापस जा रहा है घर, हैं कहाँ जा कहाँ रहा है, वहाँ से यहाँ ये थोड़ी दिखाई, सॉरी मैं मुंह धो लेता हूँ। पिछले कुछ 1 घंटे से कैमरा जो है इसके जोया के पास था, जोया व्लॉगिंग करनी आती है ना, अरे माहिर क्या कर रहा था अभी, मैं थूक रहा था भाई, ये भी व्लॉग चल रहा था इसका, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ था। चलो यार अभी यार मेरे सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे पसंद जोया आई है, चलो आए हाँ। निकले हुए हैं टारे के आगे, सामान वामान उठाते हैं अपना और फिर चलते हैं, ठीक है जोया हम जाएं, निकलते हैं अपना सामान उठाते हैं पहले चल के। जब भी यहाँ पे आते हैं ना इतना ज़्यादा मन लग जाता है, वापस जाने का मन नहीं कर रहा, क्या करें। ये देखो टट्ठे डोले उठाए हुए आगे, महाराज भाई आगे हुआ है, देख जाते टाइम पे इसको जान पड़ गई है। वो इसलिए नहीं कि ये मतलब वहाँ पे जा रहा है दोबारा से मदरसे में, वो इसलिए
क्योंकि ये घर जा रहा था। इतने स्टॉप लिए हैं, इतने स्टॉप लिए हम आते टाइम पे भी, बस यहाँ से हमें लास्ट जो है ये शॉट है मेरा, वहाँ पे जो है पुफी जी फोटोज़ ले रहे थे उनके साथ, कुछ मेमोरीज समझो, बस वहाँ से उधर हुए तो बाय बाय डैर, सॉरी इतना बड़ा बाय बाय, मैं बड़ा अजीब बन गया। खैर फिलहाल जो है हम यहाँ से जो सफ़र अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। सामान बहुत ज़्यादा हो गया यार, व्लॉगिंग करनी थोड़ी मुश्किल होने वाली है रास्ते में। चलो निकलते हैं, चलें। यहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही एक्सेप्ट एक चीज़ की, पता है वो कौन सी है? बिजली की, बिजली की। वैसे हम ना उनको सामान दे के हम थोड़ा सा नीचे आ गए थे, क्या ढूंढने के लिए? फोन चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ढूंढने के लिए। वो देख वो वाला घर है, वो बात, वो उधर सामने वाला घर है, उधर लाइटें जल रही हैं तो, पर हम इतनी दूर जाने वाले इतना चांस नहीं लेने वाले, क्योंकि कैमरे की बैटरी है थोड़ी बहुत ही बची हुई, तो कर लेंगे कुछ ना कुछ, जो बची फ़ोन की बात नहीं चार्ज करना, ज़रूरत ही नहीं है, चलाना ही नहीं है, है कि नहीं? चलते हैं सीधा। मुझे तो चला दे भाई, तुझे चलाना है, मेरे को फ़ोन से मन अक गया हुआ है। ये सारी की सारी आवाज़ ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है, इतनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को, तो कब्रों के ऊपर बैठेगा? यहाँ पे कब्रें भी हैं, देख के बैठ। वो नीचे जी रोड दिखाई देगी, अब फिर से उसी खप में जा रहा हूँ मैं शहरों की। One hour later. सामान उठाते हैं हम, और तूने उठा लिया? उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें शाहरुख भाई से मुलाकात होगी। बेसिकली ब्रह्मगला का हूँ और मैं राजौरी में भी रहता हूँ। अच्छा, तो फिलहाल मैं आपके व्लॉग देखता ही रहता हूँ, मैं आपके व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से है। वैसे ही रहने देते हैं, सच्ची में भी वैसे ही होंगे और इंशाल्लाह भाई की जो टॉकिंग है और भाई की जो अंदर एटीट्यूड नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपका व्लॉग देखता हूँ। हर इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इतने अच्छे कंटेंट ला रहे हैं भाई, बहुत जगहों पर जा रहे हैं, अपनी तरफ से तो हम पूरी लगे, अपनी तरफ से जो मनी पॉकेट है वो भी लगा रहे हैं, वो भी आपके खातिर, क्योंकि आपको दिखाना है, तो आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? हम आपका कॉल आ रही है आपको ऊपर से, मुझे लग रहा है आपके साथ वाले बंदे जो इनके तो काफ़ी ऊपर निकल गए, उनकी कॉल आ गई। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इसका नाम है हसन अली। हसन बाय बाय। हाय हसन, बाय बाय करो। नहीं हसन का भी मूड नहीं है, दूसरे वाला चला गया, वो बड़ा शौकीन है। चलो ठीक है, ओ दे चाचू के उधर तो। नहीं नहीं नहीं, अभी मूड नहीं है उसका, ठीक है? वो पहुंच गए होंगे मुझे लगता है ऊपर तक, वो पता नहीं कहाँ होंगे, और हम खड़े होके जो गप्पे मारने लगे। खैर अच्छा था यार, सही है ना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। थैंक्स फॉर विजिट। सही है, दोनों सही होंगे, क्या पता, इंग्लिश वीक है। सारे पानी मैंने आज दिन तक सूखे हुए देखे, पर ये पानी आज दिन तक कभी नहीं सूखा। वो सारे बंदे चले गए जाके गाड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा वहाँ पे, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी हुई थी वहाँ पे आगे कुछ लेन में 15-20 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो अब कैसे भी करके वो गाड़ियाँ निकालेंगे, गाड़ी निकालेंगे मतलब अपने वाली आस्ता आस्ता। अभी मेरे पास वो दूध वाला लिफाफा, वो जो बड़ा तोड़ा है, वो पूरा मेरे पास है, तो आज अच्छा वर्कआउट हो गया यार, मतलब क्या करें। चलो चलते हैं, पहले चल के सामान जो है गाड़ी में रखेंगे। सीन ऐसे हुआ कि हम चले गए थे कुछ आधे रास्ते तक पहुँच के, आधे रास्ते में जाके याद आया भाई वो कुलचे लेने, यहाँ के कुलचे जो है ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं। शिट यार मैं क्या बोलने लगा था। खैर अभी सम्मी को जो वॉशरूम आई हुई है, इसीलिए ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे टांगों को तब से, और इसको वॉशरूम ढूंढ के कहीं पे देते हैं, और मैं चल के जो है कुलचे ले लेते हैं यार, थोड़े से कुलचे अंदर रखते हैं, और इसको ऑब्वियसली चल के वॉशरूम भाई, सॉरी सॉरी मैं रख रहा हूँ। पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए कल आउटरो हम नहीं दे पाए, और लाइट भी चली गई, ऊपर से इतनी गर्मी है, 35 डिग्री गर्मी। हाँ शहर के हिसाब से थोड़ी कम है, पर यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो इतने अच्छे से पसंद लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर ना करो। मिलती आपकी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।